अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज एक और नई रेसिपी जिसका नाम है ब्रेडेड रोल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए देखते हैं ब्रेडेड ब्रेड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 1.5 कप जितना जो है मैदा ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने टमाटर काट के रख लिया है, 1 चम्मच खमीर है, 1 चम्मच ही मैंने हरी मिर्ची काट के ली है और 1/2 कप प्याज है, 1 चम्मच जितना ही मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई लहसुन ली है, 1/2 कप मैंने यहाँ पे एग बॉईल किया हुआ रखा था। बेसिकली मैंने जो है ना एग करी बनाया था, उसका जो है मैंने अंडा जो है बचा हुआ था उबला हुआ उसी को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और 1 बड़ा चम्मच जितना मैंने शिमला मिर्च काट के ले लिया है, 1/2 लीमू लगेगा, 1 बड़ा चम्मच ही मैंने पोटैटो लिया है जिसे इस तरह से बारीक कट कर लिया हुआ है और 1 बड़ा चम्मच जितना ही मैंने यहाँ पे कैबेज लिया हुआ है। साथ में मुझे लगेगा शक्कर 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच क्योंकि मसालों में भी लगेगा और इसमें भूनने के लिए भी लगेगा। यहाँ पे मैंने मसाले जो लिए हैं 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, यहाँ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच और धनिया पाउडर 1/2 चम्मच है, गरम मसाला 1/2 चम्मच और काला नमक 1/2 चम्मच है। आप लोग चाहें तो चाट मसाला वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सब्ज़ी में वेरिएशन वगैरह कर सकते हैं। साथ में हमें लगेगा तेल और गर्म पानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये इस बर्तन में मैंने लिया हुआ है गर्म पानी, इसमें मैं डाल दूँगी खमीर और साथ में डाल दूंगी शक्कर, 1 तो शक्कर 1 गर्म पानी। इसमें खमीर जो है बहुत जल्दी फूल जाता है, इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करके इसको फूलने देंगे यानी रेस्ट होने देंगे। चलिए इसको मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो है काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आटा है वो हम लोग लगा के तैयार करेंगे। आटे में मैंने तकरीबन 1/2 चम्मच नमक ले लिया है। अब इसमें जो है मैं ये पानी जो है ये मिला लूँगी और इसे अच्छी तरह से गून लूँगी। 2 कप आटे के लिए मैंने यहाँ तकरीबन 1 कप जितना खमीर का पानी लिया हुआ है। चलिए मैं आटा जो है पहले लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये गीला और चिपचिपा सा आटा जो है ना मैंने गून लिया है। अब इसे जो है किचन सरफेस पर रख के हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए जो है अच्छी तरह से मसल के बनाएंगे। बीच में हम लोग थोड़ा सा जो है इसमें खुशका वगैरह लगाएंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बिल्कुल स्मूथ सा आटा बना देंगे। चलिए 10 मिनट में उसमें मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आटा जो है हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये देखिए मैंने इस पर भी खुशका वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, मैं बाद में इसे लगाऊंगी। अभी जो है इसे हम इस तरह से फिक्स करके इसी बर्तन में रख लेंगे जिसमें हमने पानी गर्म किया था, क्योंकि बर्तन थोड़ा सा गर्म है तो उसका पानी जो है बहुत जल्दी उग जाएगा। चलिए इसे जो है ढक के मैं साइड में रख लेती हूँ जब तक हम लोग फिलिंग तैयार कर लेते हैं। चलिए एक बर्तन ले लिया जिसे गर्म कर लिया है, इसे मैं तकरीबन 1 चम्मच जितना घी डालूंगी। आप लोग चाहें तो इसे बटर वगैरह में भी बना सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर जो काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें जो है मैं डाल दूंगी लहसुन और इसे जो है हल्का सा भून लेंगे, हल्का सा इसलिए क्योंकि बाकी तमाम सब्जियां भी भूननी है तो ये साथ में भुना जाएगा। चलिए लहसुन की थोड़ा स्मेल जो है वो भी चली गई है, अब इसमें तमाम सब्जियाँ डाल के उसे हम लोग भून लेंगे। सबसे पहले कद्दू का किया हुआ कैबेज, पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, आप लोग चाहे तो टमाटर बाद में भी डाल सकते हैं, आलू, अंडा जो है ये हम लोग बाद में डालेंगे क्योंकि जो अंडे की सर्दी होती है वो मसालों में मिक्स हो जाती है तो उसके बाद भुनना मुश्किल हो जाता है। और ये शिमला मिर्च है इसे हल्का सा भून लेंगे, इतना कि थोड़ा सा कच्ची स्मेल जो उसकी निकल जाए। चले भून लेती फिर दिखाती हूँ। देखिए सब्जियाँ जो है वो हमारी भून गई है, आधी भून गई है, बाकी जो है हम लोग मसाले डालते जाएंगे तो ये अपने आप ही भूनते जाएंगे और इसमें तमाम चीज़ें हम लोग डालेंगे। सबसे पहले नमक, धनिया जीरा पाउडर, काला नमक और गरम मसाला, दोनों लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जिसे तकरीबन चीनी, और इसे भी आज से हम लोग भूनते रहेंगे तब तक के जब तक के मसाले जो है हमारे भून ना जाए।
फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मसाले वगैरह भी जो है भून गए हैं, ये देखिए जो हमारा भून गया है। अब हम लोग जो है गैस कर लेंगे बंद, अंडा जो है वो डाल लेंगे। साथ में डालेंगे इसमें नींबू का रस, और इसे एक बार मिक्स करेंगे। अब ये मिक्सचर हमारा जो है अभी रेडी हो चुका है। चाहे तो इसमें धनिया पत्ती या कसूरी मेथी वगैरह जो है इसको डाल सकते हैं, चाहे तो मिक्स हर जो आता है हमारा इटालियन का वो सब डाल सकते हैं। आप लोग अपने अपने फ्लेवर के हिसाब से वेरिएट कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा रेडी हो गया है, अब इसे ठंडा होने देते हैं और हमारे आटे की तरफ चले आते हैं। चलिए जब तक दूसरा काम कर लेते हैं। मैंने क्या किया हुआ है कि कुकर जो है उसमें मैंने क्या किया, कुकर लिया है मैंने, उसमें जो है नमक डालकर उसे गर्म करने रख दिया हुआ है ओवन की तरह, जैसे प्रीहीट किया जाता है। और मैं जो है ये मोल्ड है मेरा, जिसमें मैं जो है थोड़ा सा बटर वगैरह लगा के इसे स्मूथ कर रही हूँ। तीन हम लोग बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ तीन रेडी किया हुआ है। हम लोग आज इसे कुकर में ही बनाएंगे, आप लोग चाहे तो ओवन वगैरह में भी बना सकते हैं। ये देखिए आटा भी जो है वो हमारा हल्का सा रेस हो गया है। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं और माट लूँगी, यानी कि इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से और भून लूँगी। और इस आटे के हम लोग तीन पोर्शन करेंगे। चलिए इस आटे का जो है मैं बराबर बराबर तीन पोर्शन कर लूँगी, और एक पोर्शन जो है मैं आपको बता देती हूँ, इसको जो है हम लोग हल्का सा बेल लेंगे। तो जिस सरफेस पे भी हमें काम करना है हम लोग उस पर जो है इस तरह से ऑयल जो है अप्लाई कर लेंगे। थोड़ी सी हमें लंबा ऐसे जो है बेलना है, बीच का हमें जो है इसका मोटा रखना है, और साइड का जो है हमें साइडों से इसे बेलना है। ये देखिए ये जो है मैंने बेल के तैयार कर लिया हुआ है, और स्टफिंग जो है हम लोग ने उसका भी तीन पार्ट किया हुआ है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि इसे जो है हम लोग इस तरह से कट मारेंगे। जितने कट्स यहाँ हमारे हैं अंदाजे से उतना ही कट हम लोग इस तरह से भी मार लेंगे। काट कम भी हो गया तो चलता है, ऐसा कुछ हो नहीं है। इस तरह से अब बीच के पोर्शन में क्या करेंगे, स्टफिंग का भी हम लोग तीन पोर्शन कर लेंगे, और उस पोर्शन में से एक हिस्सा जो है हम लोग स्टफिंग इसमें डाल देंगे। आप लोग ठंडा करके ही डालिए, मेरा जो है काफ़ी गर्म है अभी, इसको पैक कर लेंगे हम लोग इस तरह से। अब इस एक पोर्शन यहाँ का हम लोग जो है इस तरफ रखेंगे, यहाँ का जो है इस तरह से इसको कवर करते जाएंगे, और एक जो है छोटी गुली हुई होती ना उस तरह से पैटर्न इसका जो है रेडी हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा है हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे, ताकि एक तरह से ये मोटा और एक तरह से पतला ना दिखे। ये देखिए ये जो है हमारा रेडी हो गया है। इसे जो है हम लोग उठा के ये जो हमारा एक पैकेट है डब्बा है हम लोग इसको रख लेंगे, और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे इसी में इस तरह से।
और इसे जो है मैं 10 से 15 मिनट जो है ना रेस्ट करने के लिए रखती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो है काफ़ी अच्छा रेस्ट पे हो गया है, ये फर्स्ट है जिसे मैंने बनाया था। तो हम लोग क्या करेंगे, सब पे जो है ये जो वॉश है हम लोग ये लगा लेंगे। ये मैंने दूध और पानी मिलाया हुआ है, आप लोग चाहे तो सिर्फ दूध भी मिला सकते हैं। ऐसे काफ़ी अच्छा जो है इसका कलर भी आता है और ऊपर का टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट रहता है। चाहे तो एग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आज वेज बना रहे हैं इसलिए मैं टोटली वेज चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। चलो अब इसे जो है हम लोग हमारा जो कुकर है उसमें डाल देंगे। देखिए हमारा कुकर जो है काफ़ी अच्छा खासा गर्म हो गया है, इसमें मैं जो है ये स्टैंड रख लूँगी। आज मैंने यहाँ तेज़ी रखी हुई है, फिलहाल मैं इसमें जो है ये एक ही जो है ये डाल लूँगी। देख सकते ये मेरे पास स्टैंड है इसका, इसमें डाल के जो है 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग बना लेंगे इसे। चलिए इसे 15 से 20 मिनट ढक्कन भी पका लेते, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हो गया है, अब इसे जो है मैं निकाल लेती हूँ, अभी गर्म है इसे संभाल के निकालना पड़ेगा। चलिए इसे जो है निकाल के फिर आपको ये देखिए काफ़ी अच्छा जो है ये रेडी हो गया है। मैं इसे जो है आपको दिखाती हूँ तोड़ के इसके अंदर का, काफ़ी गर्म है ये देखिए। लीजिए तैयार है गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी ब्रेड रोल। आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर हाजिर।